गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के बारे में ज़रा सा नॉलेज देने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्यों बनी, और इकोनॉमिक्स के पुराने एक तरीके से जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन क्या क्या दी है, आज आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ज़रा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। क्लास 11th का अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज, सबसे पहले जो फादर थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहे जाते हैं, या फिर एक एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ ने अपनी एक डेफिनेशन दी है। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ है सब पैसे से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है। जो भी चीज़ इकोनॉमिक्स में आप देखना चाहते हैं वो सब पैसा है, पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन प्रोफेसर एडम स्मिथ की इतनी अच्छी थी कि इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ होती है वो सब पैसे से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है, उसके अलावा और कुछ भी इकोनॉमिक्स में नहीं होता। ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। फिर प्रोफेसर एडम स्मिथ के बाद एक और आए थे प्रोफेसर, जिनका नाम था प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी डेफिनेशन दी हुई है कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ अ मैन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मैन की स्टडी करना ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, कि वो पैसे कहाँ से कमाता है, वो पैसे खर्च कहाँ करता है, वो पैसे बचाता कहाँ पे, वो पैसे लगाता कहाँ पे, इन्वेस्ट कहाँ पे करता है, उसकी ओवरऑल स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो मार्शल साहब की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है मार्शल साहब की, द स्टडी ऑफ अ मैन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मैन की स्टडी करना ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ अ मैन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। कि पर्सन पैसे कहाँ पे कमाता है, पैसे खर्च कहाँ पे करता है, पैसे बचाता कहाँ पे, पैसे लगाता कहाँ पे, पूरी की पूरी ओवरऑल स्टडी करना प्रोफेसर मार्शल ने सिखाया। अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी थी, द स्टडी ऑफ अ मैन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो अभी तक अपन दो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी, क्या डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन ये दी थी कि बेसिकली वेल्थ ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। जबकि मार्शल ने डेफिनेशन दी है, द स्टडी ऑफ अ मैन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में आप करते क्या है, वर्क क्या करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। एक ह्यूमन बींग पैसे कमाता है तो पैसे को खर्च कहाँ पे करता है, पैसा बचाता कहाँ पे, पैसा लगाता कहाँ पे, ओवरऑल स्टडी करना एक ह्यूमन बींग की। द स्टडी ऑफ अ मैन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। फिर एक और प्रोफेसर आए थे जिनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल नियरेस्ट है, अपनी लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है। क्या है डेफिनेशन, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में तीन की पॉइंट पे ध्यान दिया था। तीन की पॉइंट क्या क्या थे, पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और एंडलेस। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड एंडलेस। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास पैसे की कमी है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंडलेस। सेकेंड नंबर पे लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है। थर्ड नंबर पे दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, उसके यूजेस कैसे करने हैं, अपन को अल्टरनेटिव यूजेस करने हैं। यूजेस कैसे करने हैं, अल्टरनेटिव यूजेस करने हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में यूजेस करने हैं। जो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल वांट होगी उसको पहले फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। डिजायरेबल वांट्स का एक आप क्रम बना के चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है इनकी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और एंडलेस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
दे हैव अल्टरनेटिव यूजर्स। उसके यूजर्स कैसे होते हैं? अल्टरनेटिव यूजर्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल वॉन्ट होगी उसको सबसे पहले फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डिजायरेबल वॉन्ट, उसके बाद नेक्स्ट डिजायरेबल वॉन्ट। जैसे एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस का जमाना चल रहा है, उस समय पे क्या है? सबसे पहले कि जैसे आपने ही बोला घर पर जाके कि पापा ये मोबाइल में वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, सर मोबाइल में हमको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनमें हमको समझ में नहीं आता वीडियो क्वालिटी में सर क्या बोलते हैं, एकदम क्लियर समझ में नहीं आता, पापा एक नया मोबाइल दिलवा दो। पापा ने बोला ठीक है, उन्होंने आपको एक नया मोबाइल दिलवा दिया। अब नया मोबाइल दिलवा दिया तो आपके एक विश पूरी तो हो गई कि मोबाइल चाहिए। अब नई विश क्या जनरेट होती है कि यार ये स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिख रहा है पापा, स्क्रीन में ये छोटा दिख रहा है, हमको अब क्या चाहिए? हमको लैपटॉप चाहिए, बड़ा लैपटॉप चाहिए जिसमें हम अच्छे से देख सकें। तो भैया ठीक है, उन्होंने कहा चलो लैपटॉप ले लो। लैपटॉप उन्होंने दिलवा दिया तो बोले नहीं पापा लैपटॉप में तो ठीक है काम चल रहा है हमारा, लेकिन अब तो स्कूल की ऑफलाइन क्लासेस भी लगने लगी हैं, हफ्ते में 2-3 दिन वहाँ पे भी हमको जाना पड़ेगा, हमारे पास इस घर से स्कूल जाने के लिए गाड़ी नहीं है, हमको एक स्कूटी दिलवा दीजिए या एक गाड़ी दिलवा दीजिए जिससे हम स्कूल जा सकें। उन्होंने कहा ठीक है भैया स्कूटर गाड़ी दिलवा दे रहे हैं, वो भी दिलवा दी। दिलवाने के बाद नेक्स्ट नंबर पे आया तो बोला पापा स्कूटर और गाड़ी से तो जा रहे हैं लेकिन बारिश का थोड़ा टाइम है, इस बारिश के समय पे हमको वहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए? बोला कार चाहिए, कार में जाएंगे तो आराम से चले जाएंगे। मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि आपकी एक इच्छा की पूर्ति होती है, एक विश कंप्लीट होती है, दूसरी जनरेट हो जाती है। मोबाइल, मोबाइल दिलवा दिया, लैपटॉप, लैपटॉप दिलवा दिया, गाड़ी, गाड़ी दिलवा दी, अब कार भी चाहिए आपको। उसके बाद भी आपकी इच्छाएँ असीमित हैं, अनंत हैं, एक तरीके से ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंडलेस, बट रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है। पैसे की कमी होगी तो सब काम नहीं हो सकते, जिसके पास पैसा है वो तो सब कर लेगा। पैसा कम है, पापा ने बोला नहीं अभी इसी मोबाइल से काम चलाओ, फिर नया मोबाइल दिलवा दे, चल मोबाइल तो दिलवा दिया, अभी लैपटॉप नहीं ले सकते भैया, लैपटॉप दिलवा दिया, भैया गाड़ी की अभी गुंजाइश नहीं है, अभी धान तो बिक जाने दो, अभी मूंग तो बिक जाने दो, उसके बाद पैसा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या हैं? ह्यूमन वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज आपके पास कम है, पैसे की आपके पास कमी है, और दे हैव अल्टरनेटिव यूजर्स। जो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल वॉन्ट होती है उसको सबसे पहले फुलफिल किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डिजायरेबल वॉन्ट को फुलफिल किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट। आप इसका एक क्रम बना के चलते हैं, वॉन्ट्स का क्या बना के चलते हैं? क्रम बना के चलते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ पिपरिया में, मतलब सुहागपुर में हूँ, सुहागपुर से मुझे जाना है, समझ लो आप पिपरिया जाना है, सुहागपुर से पिपरिया जाने का 20 रुपये लगता है। कितना रुपये लगता है? 20 रुपये बस का चार्जेस है, बस के सामने खड़ा हूँ, सुहागपुर से पिपरिया जाने का 20 रुपये लगता है। अब मुझे भूख भी लगी हुई है उस समय पर, सामने एक भेल का चाट का ठेला लगा हुआ है, सामने एक समोसे वाले की रेखड़ी लगी हुई है और भी चीज़ें हैं, और मुझे प्यास भी लगी हुई है और पानी बाहर का भी नहीं पी सकता, पानी बिस्लेरी की बोतल भी दिख रही है वो भी 20 रुपये की, अगर नाश्ता करता हूँ वो भी 20 रुपये का, और घर जाना है तो वो भी 20 रुपये का। अब अगर हमारे पास 20 ही रुपये अवेलेबल हैं और ये 3 वॉन्ट्स हैं, इन 3 वॉन्ट्स में से हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा डिजायरेबल वॉन्ट क्या है। सबसे ज़्यादा डिजायरेबल वॉन्ट मेरा घर जाना है, तो मैं बस पकड़ूंगा, 20 रुपये दूंगा, घर पहुंचूंगा, वहाँ पर खाना भी खा लूँगा, वहाँ पर पानी भी पी लूँगा। सबसे ज़्यादा डिजायरेबल वॉन्ट क्या होती है ये सेलेक्ट करना है आपको। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम चला सकते हो। और इकोनॉमिक्स क्यों बना? इकोनॉमिक्स बनने का मेन रीज़न यही है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी चीज़ की कमी होना। आप बस में जाते हैं, बस में सीटों की कमी है, आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जब जनरल बोगी में जाते हैं तो जनरल बोगी की कमी है, आप जब टिकट लेने जाते हैं वहाँ पे टिकट काउंटर की कमी है, आप जब एक तरीके से वहाँ जाते हैं सिनेमा हॉल जाते हैं वहाँ पे भी काउंटर की कमी है। तो हर चीज़ की कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, कमी है, लेकिन वॉन्ट्स की कमी नहीं है।
तो रॉबिन्स भाई साहब की डेफिनेशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा था वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड और एंडलेस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास BMW कार हो, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास एक पर्सनल जेट हो, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी एक रेलवे जो है, रेलवे की एक ट्रेन मेरी हो, लेकिन वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज पैसे की कमी है और उसके अल्टरनेटिव यूज़ करना है। जैसे ही डिजायरेबल वॉन्ट्स होगी वैसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो तीन लोगों की मैंने डेफिनेशन आपको बताई आज, एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ मेरी स्टोरी कि तीन लोगों की डेफिनेशन में पहला था प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस, इन्होंने धन के बारे में बात करी और धन एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में होता है, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मार्शल भाई साहब ने लिखा था कि द स्टडी ऑफ अ मैन इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मैन की स्टडी करना। और रॉबिन्स भाई साहब ने बोला है ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। तो आज की इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद।